हेलो गाइज, इस वीडियो में आपको यूएसबी मॉड्यूल में वायरिंग करना सिखाऊंगा। आप जानते हैं यूएसबी मॉड्यूल की वायरिंग करना काफी टफ होता है। इसमें बहुत सारे कनेक्टर होते हैं। अगर आप पहली बार इसकी वायरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज, वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही एक लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक नहीं करते, लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए इससे भी अच्छे मैं टॉपिक लेकर आता रहूंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस आप जानते हैं कि यूएसबी पैनल में सिर्फ दो कनेक्टर होते हैं, इसकी वायरिंग करना काफी इजी होता है। और वहीं बात यूएसबी मॉड्यूल की आए तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कनेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। हम सोचते हैं यार यूएसबी कहाँ पे लगेगी, सेंसर कहाँ पे लगेगा और बहुत सारी चीजें होती है जो कहाँ पर कनेक्ट होंगी। तो गाइज इस वीडियो में आपकी ये जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ईजी तरीके से आपको इसमें कनेक्ट करना मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, एक आपको यूएसबी मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास नया है तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, सारे कनेक्टर वगैरह मिल जाएंगे। मेरे पास कनेक्टर नहीं है, फिर भी आपको इजी तरीके से मैं बताऊंगा। एक यूएसबी मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है, दूसरा है एक आईआर सेंसर की जरूरत पड़ने वाली है। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, पुराने यूएसबी पैनल से भी आप निकाल सकते हैं या कहीं से भी आप जिसमें आप रिमोट का यूज करते हैं वहां से निकाल कर आप अलग कर लीजिए। तो इसी चीज की जरूरत हमें पड़ने वाली है, एक यूएसबी कनेक्टर की। तो ये आपको किसी भी पुराने चार्जर से मिल जाएगा या किसी भी मॉड्यूल से आप निकालकर अलग कर सकते हैं। काफी इजी होता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा या 5 रुपए में आप मार्केट से ले सकते हैं। चौथी चीज आपको चाहिए एक बैटरी की, या आपके पास कोई भी 5 वोल्ट का सोर्स हो उसकी जरूरत तो आपको पड़ने वाली है। मेरे पास बैटरी है तो इसी की सहायता से मैं इसको ऑन करूंगा और आपको कुछ वायर्स की जरूरत पड़ेगी। और आपके पास वॉल्यूम के स्विच हैं तो उनको भी आप ले सकते हैं या रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूएसबी कनेक्टर को आप निकाल के अलग कर लेंगे। जैसे मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, देखिए आपको दिखाता हूं, ये वाला बना के अलग करके रखा हुआ है। तो आपको बनाना कैसे है मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आप इस यूएसबी कनेक्टर को निकाल के अलग कर लीजिए, इसमें आपको कनेक्शन बता देता हूं। और दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ने वाली है साथ में, ये एक पुराने चार्जर की कटी हुई वायर ले लीजिए। इसमें आपको 4 वायर मिल जाएंगी, अलग अलग कलर की, एक है व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। जो 4 वायर आपको मिलती हैं, इनको आप दोनों तरफ से काट कर अलग कर लीजिए। इसी तरीके से चार्जर ये वायर के इस तरफ भी ऐसे 4 वायर इधर पे निकाल लीजिए। चलिए बताता हूँ आपको। फिर कलर कोड की जो बारी आती है, जो हमारा आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो ये रेड कलर की वायर होती है ये होती है 5 वोल्ट प्लस की। तो जो हमारी यूएसबी जो इसमें कनेक्ट होनी है उसमें 5 वोल्ट जो प्लस होनी है वो यहीं से होनी है। देखिए अब इसका आपको वायरिंग डायग्राम बता देता हूँ। ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारा, आप इसको कुछ इस तरीके से रख लीजिए। यहाँ पर गैप देखिए आप, यहाँ पर नीचे पत्ता है, तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पर 4 आपको कनेक्टर मिलेंगे। चलिए इसी तरीके से आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो ये वाला पत्ता आपको ऊपर दिख रहा है। तो देखिए अब वायर आपने कनेक्ट कहाँ पे करनी है ये देख लीजिए। जो ये रेड वाली है, रेड वाली सबसे लास्ट में और ब्लैक वाली इस तरफ लास्ट में, दाहिने हाथ में। ये देखिए रेड वाली यहां पर, ब्लैक वाली यहां पर। फिर बारी आती है हमारी 2 वायर जो बचती हैं, व्हाइट एंड ग्रीन। अब ग्रीन का जो काम होता है डाटा पॉजिटिव का होता है, डाटा पॉजिटिव आपकी जस्ट ये ब्लैक के जस्ट बगल में आपकी लग जाएगी, ब्लैक के जस्ट बगल में लगेगी डाटा पॉजिटिव बोले तो ग्रीन। फिर यहां पर लगनी है आपकी डाटा नेगेटिव बोले तो व्हाइट। तो आपको बता दिया रेड, रेड के बाद व्हाइट, फिर आएगा ग्रीन, फिर आएगा ब्लैक, रेड व्हाइट ग्रीन ब्लैक। और देखिए कनेक्टर का कुछ इस तरीके से होनी चाहिए पोजिशन, तब आप रेड यहां से लगा सकते हैं कनेक्टर की ऐसी पोजीशन, फिर रेड यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, रेड व्हाइट ग्रीन एंड ब्लैक। तो ये चीजें आपने समझ ली। तो इस तरीके से आप यहां पर वायर जोड़ेंगे और उस किनारे पर आप ऐसे ही जो वायर है इधर खोल के अलग कर लेंगे। तो ये वाला कनेक्टर यहां से निकालना है, यहां पर से निकाल के अलग कर लेना है। फिर उसके बाद जब आप इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास
ये मिल जाएगा कनेक्टर, देखिए सिंपल। फिर यहाँ पर आप टेपिंग वेपिंग कर सकते हैं ताकि ये तार खुली ना हो, खींचने में टूटे ना, तो इस तरीके से हमारे पास वो बनी हुई आ जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर है रेड ग्रीन और ब्लैक एंड व्हाइट, तो इस तरीके से हमारे पास वायर हमारे पास आ जाएंगी। तो इस कनेक्टर को हमने बना के अलग कर लेना है और फिर एक बैटरी में ऐसे ही हमने जोड़ लेना है जो 5 वोल्ट का हमारा सोर्स हो, जिससे हमारा मॉड्यूल आराम से ऑन हो सके। तो ये देखिए, तो ये देखिए हमारा मॉड्यूल ऑन हो चुका है। तो अब यहां पर मैं कनेक्शन की बात आपको बता दूं, देख लीजिए। सबसे पहले कनेक्शन की बात आती है तो यहां पर आपको थोड़ा जूम करके मैं पहले कनेक्शन आपको दिखा देता हूं। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो लिखा हुआ है आपको कोड समझना होगा, हो सके तो आप एक कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। तो जो ये यूएसबी की ये वाली है, ये यूएसबी है, इसकी जो वायर आनी है, जो चार हमने तार अभी छोड़ी हुई थी, वो कलर कोड यहां पर बता देता हूं आपने लगानी कहां पर है, फिर मैं आपको लगाकर बताऊंगा। तो ये देखिए यहां पर देख लीजिए, ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखाता हूं जूम करके। हाँ ये देख लीजिए, यह है 5 वोल्ट। यहां पर आपने क्या लगानी है, आपने लगानी है यहां पर रेड वायर, जो प्लस की है रेड वायर। फिर आएगी आपकी ये आएगी डाटा नेगेटिव में कौन सी वायर आनी है आपको बताया था, यहां पर आनी है आपकी व्हाइट वायर। फिर क्या आएगी, ग्रीन वायर। फिर क्या आएगी, ब्लैक वायर। ब्लैक ग्रीन व्हाइट एंड रेड सीरियल वाइज उसी तरीके से चलना है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करके बताऊंगा, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, यहां पर तो हमारी यूएसबी की आ गई, फिर आएगी हमारी यहां पर ही देखिए ग्राउंड एंड 5 वोल्ट। यहां पर आप 5 वोल्ट की रेड वायर दे दीजिए, यहां पर आप 5 वोल्ट नेगेटिव का दे दीजिए। आपको कनेक्टर है, आपको अगर जैसे मैंने बैटरी बना रखी वैसे आपके पास है तो यहां पर कनेक्टर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। और फिर यहां पर भी कनेक्टर है तो यहां पर कनेक्टर की मदद से वायर को जोड़ सकते हैं, वैसे अगर सोल्ड करना चाहते हैं तो। यहां पर आपको कलर कोड बता दिया। अब फिर आता है हमारा जो आईआर सेंसर, ये वाला लगना है, जो ये वाला हमारा सेंसर लगना है वो कहां पे लगना है ये बता देता हूं। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो आईआर जो लगना है, आईआर की पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी, और आईआर की पोजीशन इस तरीके से रखने के बाद आपने जो ये लास्ट वाली लेग है आपको 3 वोल्ट, यहां पर लिखा हुआ 3 वोल्ट, यहां पर इसकी लेग यहां पर 3 वोल्ट में रखनी है, और बीच में वाली जो है यहां पर आईआर पे, और लास्ट वाली जो लेग है वो ग्राउंड पे। देखिए ये ग्राउंड है, ये आईआर है एंड ये 3 वोल्ट है। अब जब हम इसको सोल्ड करेंगे इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, देख लीजिए ये देखिए, अब 3 वोल्ट आईआर एंड ग्राउंड, और जो इसका फ्रंट रहेगा यहां पर रहेगा, देख लीजिए। तो मैं इसको भी सोल्ड कर लेता हूं और वायर को भी सोल्ड कर लेता हूं। तो जैसा आपको मैंने बताया था, उसकी जो वायरिंग का जो कलर कोड था वो इस तरीके से लगना था। मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, 5 वोल्ट में आपको पता ही है रेड लगनी है, ग्राउंड पे ब्लैक वाली, डीएम पे लगनी है व्हाइट वाली, फिर लगनी ग्रीन वाली। तो आईआर जो सेंसर था उसका जो मैंने बताया था उसकी पिन कहाँ पे कनेक्ट करनी, देख लीजिए ये देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से आपने कनेक्ट करनी है। जो लास्ट वाली लेग है वो 3 वोल्ट पर, फिर बीच वाली आईआर पर, फिर लास्ट वाली ग्राउंड पर। इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब इसमें बात आती है एक चीज, जो हमारा एम्पलीफायर के लिए लेफ्ट राइट और ग्राउंड आउटपुट होगा वो होगा इस जगह से, ये देख लीजिए यहां पर, ये देखिएगा यहां पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट और बीच वाला ग्राउंड का। तो आप समझ गए, लेफ्ट वाला एम्पलीफायर के लिए, राइट वाला एम्पलीफायर के राइट चैनल के लिए, ग्राउंड वाला कॉमन। तो यहां पर मैं एम्पलीफायर के भी कनेक्ट कर लेता हूं। तो फिलहाल अभी आपको समझाने के लिए मैंने एम्पलीफायर का जो राइट जहां पे लिखा हुआ आर और बीच वाला है ग्राउंड, राइट सॉरी लेफ्ट ग्राउंड, लेफ्ट ग्राउंड में मैंने एक स्पीकर जोड़ लिया है। आवाज तो आएगी लेकिन काफी इसमें धीरे आएगी, मतलब एक हेडफोन में सुनने लायक इसमें आवाज आएगी। अब यहां से आवाज एम्पलीफाई होती है, आपको ये जो वायर है एम्पलीफायर में डालनी है, अपने आपको पता ही होगा, जो जहां पे जी लिखा ग्राउंड एम्पलीफायर की बॉडी पे आप लगा लेंगे, और लेफ्ट को लेफ्ट चैनल पे, राइट को राइट चैनल पर। अगर आपको वहां पर समझ में आया तो आप वॉल्यूम के
आप फर्स्ट वाली पिन पे वॉल्यूम जो बटन होता है उसकी फर्स्ट वाली पिन पे इसको कनेक्ट कर लीजिए। तीन पिन होती है, फर्स्ट पिन पे इसको कनेक्ट कर लीजिए। तो अभी तो मैंने स्पीकर का जोड़ा हुआ है, तो आप इसको एम्पलीफायर अपने तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ पर है जो यूएसबी जिसमें हमारी लगनी है, उसमें चार वायर मैंने कनेक्ट कर ली है, और बीच का है आईआर का जो, ये भी बता दिया। तीन चीजें हमारी अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं, और चौथी चीज आपको पता ही है, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट और ग्राउंड का कनेक्ट होना है। तो ये मतलब चार चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट बारी आती है किसकी, वॉल्यूम के बटन की। वॉल्यूम का बटन लगना कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम बटन नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको आधा ही काम बता दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो वॉल्यूम का बटन, एक वॉल्यूम के बटन के लिए एक वायर आपकी जाएगी ग्राउंड से, ग्राउंड कहीं से भी उठा लीजिए आप। आपको पता ही है ग्राउंड कहीं से भी बॉडी से आप ले सकते हैं, तो ग्राउंड आप यहां से ले लीजिए। और स्विच, जो वॉल्यूम का स्विच लगेगा उसकी एक वायर यहां से उठाएंगे आप, एक वायर ग्राउंड से। तो आप समझ गए, वी प्लस जहां पे लिखा है वॉल्यूम की प्लस वाली वायर यहां से उठा लेंगे, और जी जहां पे लिखा ग्राउंड से एक वायर वहां से उठा लेंगे। फिर उसी तरीके से आप देखिए, वॉल्यूम का जो बटन है उसको देर से प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम आपकी बढ़ जाएगी, और एक बार दबा देते हैं वहां पर आपका नेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब एक ही बटन से दो काम आपके हो जाएंगे, वॉल्यूम का भी और नेक्स्ट का भी। उसी तरीके से आपका ये जो पी जहां पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जहां पे पी लिखा हुआ है उसको आप पॉज या प्ले मान लीजिए। यह इसको तो, इसके साथ अगर आप ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं तो यह प्ले और पॉज का काम करेगा। फिर वॉल्यूम जो माइनस है, यहां पर इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो यहां पर आपकी वॉल्यूम डाउन और जो प्रीवियस होगा सॉन्ग प्ले हो जाएगा। उसी तरीके से बीच वाला मोड का काम करेगा, मोड चेंज होने का। यहां पर यूएसबी है तो एफएम है तो यूएसबी लाइन, इस तरीके से मोड का काम करेगा। तो यहां पर आप वॉल्यूम के जो बटन है वो सिलेक्ट कर आप अपने तरीके से लगा लीजिए। अब बात आती है एंटीना की। यहां पर एंटीना आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा ANT, यहां से एंटीना की तार उठाकर आप एंटीना तक दे दीजिए। फिर आती है AUX। अगर इसमें AUX की अलग से कनेक्टर लगाना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी का यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ग्राउंड यहां से ले लीजिए, लेफ्ट और राइट से चैनल यहाँ पे है, तो AUX का आप यहां से इसको जोड़ सकते हैं। तो आपको आज बता दें, चलिए इसकी मैं टेस्टिंग कर लेता हूं अब। चलिए ये देखिए, इसकी टेस्टिंग मैं कर लेता हूं। सबसे पहले इसको मैंने कहां पे जोड़ना है, जो 5 वोल्ट और ग्राउंड को यहां पे जोड़ लेना, आपको बताया था मैंने। अब ये ऑन हो चुका है और ये हमारा स्पीकर का है, और चलिए तो ये ऑन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पुराने टाइम का है। तो ये ऑन हो चुका है और आपको साउंड शायद मैं सुना के देखता हूं। ये देख लीजिए, FM की साउंड आपको आ रही होगी, तो देख लीजिए। अब इसमें मैं एक USB को कनेक्ट करता हूं और सॉन्ग प्ले करने की इसमें कोशिश करता हूं। वैसे तो दोस्तों सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि कॉपीराइट की दिक्कत आ सकती है। तो देख लीजिए, यहां पर मैंने USB को कनेक्ट कर लिया है और यहां पर हमारा सॉन्ग प्ले होने वाला है। तो यहां पर सॉन्ग प्ले होने, तो स्पीकर की एक तार मैंने हटा ली है ताकि कॉपीराइट का बवाल ना हो। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, इसको एम्पलीफायर में जोड़ना है। स्पीकर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था। तो इस तरीके से होने का, वॉल्यूम के बटन का जो काम होना है मैं बता देता हूं आपको। जो हमारा वॉल्यूम का कंट्रोल वाला काम होगा उसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूं, आप किस तरीके से जोड़ेंगे। तो फिलहाल अभी मैं एक चिमटी की मदद से आपको इसको कंट्रोल करके दिखाता हूं। तो ये देख लीजिए, चलिए अभी हमारा 105 नंबर का सॉन्ग प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, चिमटी की मदद से एक तो मैं चिमटी को ग्राउंड कर दूंगा, दूसरा वॉल्यूम प्लस में दूंगा। तो एक बार टच करूंगा तो नेक्स्ट गाना प्ले हो जाएगा। तो ये देखिएगा, मोड वाला सिलेक्ट हो गया गलती से। फिर से मैं इसको यहां पर FM वाला चालू हो गया। अब इसको फिर से मैं USB में लेके आऊंगा, तो अब ये USB प्ले होगा। देखिए थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको, USB पे आएगा ये उसके बाद। चलिए इसको मैं एक बार USB रिमूव करके USB में कर लेता हूं।
देखिए अब यूएसबी चालू हो गया। अब इस पे अब देखिए 105 नंबर का हमारा सॉन्ग चल रहा है, तो अब हमें करना क्या है, वॉल्यूम के लिए एक ग्राउंड कर लेना है, दूसरे को हमने वॉल्यूम प्लस में एक बार टच करना है, तो 106 नंबर का हमारा सॉन्ग चल गया। देखिए सिर्फ एक बार टच करना है, अगर आप देर तक टच करते हैं तो वॉल्यूम हमारी बढ़ेगी। देखिए 50 नंबर मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम अभी इसमें है, तो इसी तरीके से इसको अगर वॉल्यूम डाउन में एक बार टच करता हूं तो 105, 104 इस तरीके से सॉन्ग हमारे चलेंगे। तो आपको बता दिया वॉल्यूम के बटन के कनेक्शन इस तरीके से आपने करने हैं। पर बात रही आईआर की टेस्टिंग की, तो आईआर के कनेक्शन बिल्कुल इस तरीके से होने, अभी मेरे पास रिमोट उपलब्ध नहीं है, तो आईआर के जो कनेक्शन ऐसे ही होने हैं, तो इस तरीके से आप इसको अगर रिमोट हो तो आईआर को इस तरीके से आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको वीडियो अगर इसमें वीडियो में कोई दिक्कत आपको लगती है या आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसका मैं सॉल्यूशन कर पाऊं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।